हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको पहले डैपी वाइट क्रीम के बारे में जो बताया था ना, उसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको लेज़र के बारे में बता देती हूँ। मुझे लेज़र कराया हुआ 1 महीना हो गया है और मैंने पीलिंग भी करा ली, सब कुछ करा लिया, लेकिन ये जो मेरा पिगमेंटेशन का जो दाग था ना, जो वो और ज़्यादा हो गया है। तो मैं आपको साफ बता दूँ कि लेज़र ट्रीटमेंट बिल्कुल भी मत करवाना। आपका जो छोटा मोटा जो पिगमेंटेशन है ना, वो आपका सप्लीमेंट्स नहीं तो जो आप अच्छी डाइट लेंगे ना, उसके द्वारा ही डॉक्टर ठीक कर देंगे। लेकिन लेज़र मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। मेरे चेहरे पर और ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन हो गया है। शायद आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन ना थोड़ा अच्छा क्वालिटी कैमरा वाला है, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो ये ना, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा मेरा पिगमेंटेशन अभी भी है, और जो पहले कम था ना, वो और ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और आपको एक बात बताऊँ, जब आप लेज़र करा लोगे ना, तो आप धूप में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, सच बता रही हूँ। इतना रेड, ये जो जितना लेज़र का जो आपका फेस है ना, वो इतना रेड, उसी जगह में इतना रेड हो जाएगा ना, आप चाहे सनस्क्रीन लगाओ, चाहे आप कुछ भी लगाओ, आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब मैं जब खाना खाने के लिए जाती हूँ, लंच के लिए जाती हूँ मेरे ऑफिस में, तो हमें जो लंच के लिए जाना पड़ता है, तो दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ता है, तो वहाँ सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट में आप पहुँच जाओगे, लेकिन ये हिस्सा मेरा इतना रेड हो जाता है। लोग बोलते हैं, अरे वाह, तुम्हारा तो बॉडी में बड़ा ब्लड है भाई, इतना गर्मी में भी तुम्हारा, सॉरी, इतना ठंड में भी, इतना लाइट ठंड में भी आपका गाल में रेड। भैया, मेरा जब यहाँ से खून निकाला था ना, तब मेरा ना ब्लड नहीं निकल रहा था। क्या ब्लड है, मेरा ब्लड ही नहीं है। वो स्किन ना अंदर से बर्न हो गया है, जल गया है लेज़र की वजह से, जिससे कि मेरा पिगमेंटेशन और दिख रहा है। और दूसरी बात, डैपी वाइट मैं आपको बता ही देती हूँ, दूसरी वीडियो पर छोड़ो, इसी वीडियो में बता देती हूँ। डैपी वाइट लगाया मुझे 1 मंथ हो गया है, मुझे कुछ भी असर नहीं दिखाई दिया है। मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, कुछ भी असर दिखाई नहीं दिया है। हाँ, मैं 2 मंथ तक यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद अगर मुझे असर दिखा तो मैं आपको सही बताऊँगी कि हाँ, मुझे असर हुआ है। लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी असर नहीं हुआ है, मुझे तो और ज़्यादा पिगमेंटेशन दिख रहा है। मुझे ऑफिस में सब बोल रहे हैं कि ये सब तेरे क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड बोला, तुमने जब से लेज़र कराया है ना, तब से तो तेरे और ही दिख रहे हैं। तो मैं बोली, तुम ही तो थे ना बोलने वाले वहाँ पर, इन्होंने ही मुझे जिद की थी बोलने कि तू कर ले, तेरा ट्रीटमेंट कर ले। और मैं सच बताऊँ, मुझे लेज़र करने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं। मैंने सोचा था डॉक्टर मुझे देखेगा, अच्छे से सप्लीमेंट देगा, उसी से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आजकल के डॉक्टर तो बस पैसे बढ़ाने के लिए लेज़र कर लो, फलाना कर लो, डिस्का कर लो। तो भैया, लेज़र मत कराना, मैं सच बता रही हूँ, आपके पैसे पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपके हाई पिगमेंटेशन है ना, तो आप सप्लीमेंट्स के द्वारा, डॉक्टर अगर अच्छा होगा ना, तो आपको सप्लीमेंट्स द्वारा और आपके खाने के डाइट द्वारा आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब मत खाना। खाओ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, मैं भी खाती हूँ, लेकिन कम खाना। मैं 2 मंथ में या 6 मंथ में ऐसे खाती हूँ, ज़्यादातर घर का खाना ही खाती हूँ। उसी से मेरा रिकवर थोड़ा थोड़ा हुआ था, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी, जैसे कि पिज़्ज़ा खा लिया, घर पे खाती रहती है, कुछ ना कुछ खा रही हूँ, कभी मैकडी जा रही हूँ, कभी यहाँ फलाना डिस्का। नहीं, अभी मैं प्रॉपर घर का ही डाइट ले रही हूँ। कभी मुझे मन करता है तो आप कभी खा सकते हो। अब जैसे समोसा हो गया, कभी कभी तो मन करता है, भैया हम इंडियन लोग, हम तो थोड़ा बहुत चटोरे होते हैं तो खाएंगे, वो बात नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी स्किन का अच्छे से ट्रीटमेंट कराना है, तो लेज़र मत कराना भाई। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, लेज़र बिल्कुल मत कराना। मेरे लेज़र से तो मेरी स्किन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और पता है, जब मैं डैपी वाइट लगाती हूँ, तो मेरे ना इतने इतने इसी जगह पे देखिए, छोटे छोटे ये दाने भी हो रहे हैं, पिंपल जैसे हो रहे हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पूरे दाने हो रहे हैं। पता है, ये हिस्सा ऐसा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही खटियान सड़ा सा लगता है, सब बेचारे ऐसा लगता है किसी ने ना, मतलब जैसे सिगरेट के दाग के स्पॉट होते हैं ना डैपी वाइट लगाने का, वैसे वैसे मुझे दिखता है। अभी शायद आपको क्लियर से दिख नहीं रहा होगा, ये कैमरे में इतना अच्छे से दिखता नहीं है, लेकिन मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, तब आपको पता चलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लेज़र करने जा रहे हो ना, आप पूरा ट्रीटमेंट भी करवा लोगे ना, तो भी आपका ना ये पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। आपकी डाइट में आप सुधार लाओगे ना, तो ही आप ठीक कर सकते हो। डॉक्टर के पास जाके, हाँ, आपकी बॉडी में क्या कमी है, वो तक आप दिखा सकते हो, सप्लीमेंट्स के द्वारा ठीक कर सकते हो, लेकिन आप आपकी बॉडी के खुद ही डॉक्टर हो। आप खुद ही जब अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करोगे, अच्छी डाइट लोगे ना, पानी अच्छे से पियोगे, तो आपकी स्किन, हेयर, सब कुछ ऑलरेडी अच्छा होगा। तो मैं अभी वही कर रही हूँ भाई, मेरे तो ये क्रीम ख़त्म हो जाए ना, मैं बिल्कुल लगाने वाली हूँ। लेकिन जब ये क्रीम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको फिर बताऊँगी कि मेरा कितना ये फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा है। लेकिन आप लेज़र ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो, स्पेशली मैं लेज़र के लिए बोल रही हूँ, तो थोड़ा होशियार से कराना गाइस।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।